you are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my voice fails. हे गाइस, स्वागत है आप सबका दीपक जय शॉप ब्लॉग के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा बेबी वेलकम की पूरी तैयारी, क्योंकि अभी तैयारी हुई नहीं है, अब तैयारी करने जा रहा हूँ। तो आज चलेंगे सबसे पहले डीजे ढोल ढांसा वाले के पास, फिर माली के पास, फिर गुब्बारे वाले के पास, क्योंकि गुब्बारा लेके रखा हूँ लेकिन और भी कलर डिजाइन लगना है। तो आज चलते हैं, सबसे मुलाकात करते हैं और लोग को बयाना बट्टा देते हैं, क्योंकि करना तो है मेरे को एकदम धमाकेदार वेलकम। और एक चीज़ और उसमें जोड़ दिया हूँ, ड्रोन कैमरा वगैरह मैंने कर लिया है अपने स्टूडियो वाले से, अब वहाँ भी चलते हैं। बात अभी फ़ोन पे हुआ है, अभी चल के वहाँ पे बात करते हैं आपके सामने, फिर आप लोग को दिखाते हैं कि क्या व्यवस्था है, कैसे करेंगे बेबी वेलकम। तो जो लोग चैनल नए बने, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दुलार इसने देते रहिएगा। और इस समय मैं आ चुका हूँ पुलिस वाले घर पर, यहाँ पे भाई लोग हैं, पिंसी है, चाची है, भांजा है, सब लोग यहाँ पे हैं। ये तो एकदम परेशान कर रखी है, छिपली जलता है, लेकिन आज पैंट में टॉयलेट कर दिया है। पैंट में टॉयलेट कर दिया, अच्छी बात है, करते रहो, बच्चा है कर ही देता तो क्या दिक्कत है। तो गाइस, जो लोग चैनल नए हैं प्लीज चैनल को प्यार दीजिएगा और बने रहिएगा ब्लॉग के अंत तक, और आज का ब्लॉग आप लोग को बहुत ही प्यार मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, और कुछ कॉमेडियन से भरा ये ब्लॉग रहेगा और थोड़ी सी इमोशनल ब्लॉग रहेगा। और पिछले ब्लॉग को आप लोगों ने इतना ढेर सारा प्यार नहीं दिया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस ब्लॉग को आप लोग दोगे। तो जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे भैया किट्टो के बारे में, अपने बहनों के बारे में, अविका के बारे में, सोनपरी के बारे में, तो आप लोग करते रहो कमेंट, हम कमेंट को मार देते हैं गोली, आप लोग यूँ करते रहोगे, हम ऐसा जवाब देते रहेंगे। तो देर नहीं करते हैं, आगे आप लोग को दिखाते हैं कि क्या माली कैसा लेता है और क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें हैं आपसे शेयर करते हैं, बने रहे ब्लॉग के अंत तक। गाइस, हमारी यात्रा चालू हो गई है, यानी मंजिल जो कि पहला पड़ाव ये प्रेम स्टूडियो, यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग पूरे कैमरे की व्यवस्था है। ड्रोन तो हमारे पास है नहीं, तो हम भाई साहब के पास चले आए हैं। भला गुरु जी, यूनियन बैंक के वाले, तो ये भैया हैं, और जो आपसे बात हुआ था फोन पे ड्रोन के लिए, रेडी है ना? हाँ रेडी। हाँ, तो ये भाई साहब कैमरे के जो मालिक हैं, तो ड्रोन इनका रहेगा, तो ये आएँगे हमारे लिए कुछ वीडियो वगैरह रील्स बना देंगे। तो ये बुक हो गए हैं, और कितने बुक हुए हैं ये चीज़ें आपसे बाद में बताएंगे कि कितना लेते हैं, कितना लेते हैं, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं और जो भी हम दे देंगे और जो इनका डिमांड रहेगा वो हम पूरा कर देंगे। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा जिस दिन बेबी वेलकम की तैयारी हम करेंगे, या फिर जब किटो मित आ जाएंगे, बाबू पहली बार आएगा, तो आप लोग को दिखाएंगे। तो अब यहाँ से चलते हैं माली के पास, फिर उससे भी घर आ गए हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी तो रास्ते से लौट गए हैं, तो यहाँ पर हमारा लाइट थोड़ा ख़राब हो गया था, और ये भी भाई यहाँ पर सेट कर रहे हैं, देख सकते हो कैसे सेट कर रहे हैं, इसका जो ढांचा होता है वो निकल गया था, और मम्मी इधर बैठी हैं, बाल में लगा लिए हैं डाई वगैरह, और पूनम देवी नहा धो के एकदम रेडी हो गई है, बैठाओ यार, क्या नहीं टूट गया है, लॉक टूट गया है, देखो नहीं फिर नया जाओ लेके आओ, साइड साइड बांध उसी में लगा है। आज यहां से बोले उठा के फेंक दो, अब दूसरा लेंगे नया, सिर करो, बैठाओ ढांचा बना, बैठ जाएगा, दो टूटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मी अभी डाई लगाई है, देखो तो, और उनकी बेटी बनारस पहुंच चुकी है, बड़ी खुश है। शांत हो गया, बाहर निकलता है यार, देखो बाहर निकल रहा है, रुको हम सेट कर लेंगे कादे से, तो खोल के रखो, हम सेट कर लेंगे। A few moments later. तो दोस्तों, किट्टो अमित बनारस पहुंच चुके हैं, हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका है, और भाभू को देख सकते हो कितना खेल कूद रहा है। कार्तिक और भाभी यहां पहुंच चुके हैं किट्टो के सेवा में, नाश्ता पानी कराने के लिए, क्योंकि भाभी के ऐसी हैं जो इनको यहाँ जानती है, पहचानती है, बाकी सब तो मेहमान हैं, आते जाते रहेंगे। तो यहाँ किट्टो से बात होती है हमारी, और किट्टो से हलचल होती है और बोलती है पहुँच गए हैं बहुत अच्छे से, बाबू को दिखाती है, और बाबू भी खेलता है, और बाबू पहली बार बनारस पहुँचा है और घूम के बड़ा इसको अच्छा लग रहा होगा, और मैं अभी तक इससे मिल नहीं पाया हूँ, लेकिन मुलाकात हो जाएगी कल हमारी शादी में, कल की कल मैं जाऊँगा यहाँ पर, और बाबू से मिल के भी अच्छा लगा और देख के भी अच्छा लगा, तो यहाँ मिलेंगे इससे कल शादी में। तो आप लोग देखते रहेगा ब्लॉग, बाकी किट्टो से हमारी बात होती है, फिर पूनम देवी से बात होती है,
आप लोग को सुनाते हैं। खाना हम लोग के ट्रेन में खाए कह रहे हैं। अच्छा, कैसा बार रूम जहाँ लिए सही बा? हाँ ठीक बैठे। एसी उसी बा? हाँ बा एसी। बोल ले। अरे बड़ा गजब लगा था आज। आज बड़ा भाई मुझे सुन रहे हैं। आवाज नहीं आता। आवाज नहीं आता। बहुत खराब है इसका, आवाज नहीं आ रहा है। कथी बड़ा गजब लगा था, एकदम चमका था, धमका था। मम्मी देख मम्मी आए का डायरी लगाए बा बोले तो आई आ जाएगा मम्मी डाय मम्मी डाय लगा के मम्मी पहुंचे कौन कौन आएगा जो भी आए क्या सब करती हूं। नेक्स्ट मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फैमिली, तो आज सुबह का टाइम हो गया है और चाय पी रहा हूं। सब चाय पी रहे मम्मी दीदी दी ये सब फोन आए जी। तो भाभी का फोन आया है तो सबसे पहले भाभी मुलाकात हो गई है बाबू से। गाइस आज नेक्स्ट डे यानी सुबह का टाइम हो गया है, इस समय 10 घड़ी बज रहे हैं 10। तो मैं ये माली साहब है तो इनसे बात करने आया हूँ और ये बोल रहे हैं कि चलो देखते हैं अगर समय रहेगा तो डेकोरेशन वगैरह कर देंगे और इनके अलावा भी चलते दो तीन लोग से और बात कर लेते हैं क्योंकि खाली नहीं है क्योंकि लगन भी इसमें बहुत तेज चल रहा है और सुबह सुबह ही सब डेकोरेशन कराना है। तो यहाँ पर आए हैं अभी सामने सब देख सकते हो मेहंदी हल्दी सब का पूरा सामान दिख रहा है। तो चलते हैं यहाँ से दूसरे जगह फिर बात करते हैं कि हो पाता नहीं हो पाता है क्योंकि समय नहीं बचा है किस तरीके की तो आएगी और आज शादी में जाएंगे मुलाकात तो होगी ही। चलते हैं दूसरे माली से मिल लेते हैं बाकी अभी सुबह सुबह चेहरा कैसा लगा। जा रहा हूँ स्टेशन, अचानक फ़ोन कर दिया क्योंकि ये जा रहे हैं बनारस तो इनको जा रहा हूँ स्टेशन छोड़ने के लिए और मैं इनको छोड़ देता हूँ बाइक से। और माता जी पता कहाँ बात कर रही हैं समझ नहीं आ रहा। चलो चलो फाइनली परसपुर स्टेशन मैं पहुंच गया हूं और इधर लोग को छोड़ दिया हूं तो ये टिकट वगैरह कट जाएगा तो ये लोग ट्रेन से चली जाएंगे और मैं छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि शॉप पे कोई नहीं है तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। फ़ोन भी आ रहा है, 5 मिनट हुआ घर से निकले हुए फ़ोन आना चालू हो गया। तो ये परसपुर स्टेशन जैसे कि आप लोग जानते हो हमारा होम टाउन स्टेशन है जहाँ से बनारस के लिए गाड़ी मिल जाती है, दिल्ली के लिए गाड़ी मिल जाती है। फाइनली पुनः दिल्ली को मैं छोड़ के जा रहा हूँ और ये चली जाएंगी क्योंकि बहुत दूर नहीं है बनारस। और जैसे आप लोग जानते हो कि ढोल ताशा और डीजे वगैरह मैंने कर दिया है कि टोक बेबी वेलकम थी, पूरी तैयारी जोर शोर से कर दिया है। बाकी आज शादी में जाएंगे मुलाकात होगी ही, आज पुनः दीदी चली जा रही है, शाम को मैं भी निकल जाऊंगा तो मुलाकात वहाँ बाबू से होगा, हमारा पहली मुलाकात होगी। काफ़ी मिलकर अच्छा भी लगेगा, क्या एक्सप्रेशन रहेगा हमारे मिलने के बाद तो आप लोग को देखने को मिलेगा हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग मिलते हैं अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू।